सो फाइनली अब हम सभी लोगों को सेकेंड राउंड कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए। खैर आप लोग तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ आने से पहले ही सेकेंड राउंड पे आ गए थे, तो चलो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो सेकेंड राउंड बीएचयू पीजी 2024 का कट ऑफ आने वाला है वो कितना डाउन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज जो है वो जाननी चाहिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आज हम लोग बड़ा एक यूनिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो अभी फर्स्ट राउंड कट ऑफ मार्क्स है सीयूटी पीजी के थ्रू बीएचयू पीजी 2024 में वो कितना डाउन हो सकता है सेकेंड राउंड कट ऑफ तक। ध्यान देना कि राउंड वाइज जो घटने का जो एक गैप है वो डिपेंड करता है। तो अभी मैंने फर्स्ट से सेकेंड रैंक का बस रैंक का बना रहा हूं, ये नहीं कि इसको हर एक रैंक हर एक राउंड में अप्लाई करना, क्योंकि मैं बताया ना कि ये हर राउंड के अकॉर्डिंग जो है घटने का गैप का नंबर वैल्यू है। तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, कुछ लोगों के डाउट थे कि सर ये सेकेंड राउंड हमारा आएगा कब, और उसमें कुछ मुझे इस तरीके के भी थे कि अरे यार ये सेकेंड राउंड आता क्यों नहीं है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अभी तक जो पेमेंट एंड डेट थी वो 15 रखी गई थी, ठीक है 15 जून तक आप आराम से यानी कल के दिन तक आप इसको पेमेंट कर सकते थे। अब ये डेट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 17 तारीख कर दी गई, यानी जो बच्चा फर्स्ट राउंड का है जिनको लोकेशन गया है वो 17 तारीख तक पोर्टल पे पेमेंट कर सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग 17 के बाद 18 तारीख तक या 18 तारीख के पूरे डे टाइम तक क्या करने वाले हैं, 18 के पूरे डे टाइम तक ये अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है ये अपग्रेड करने वाले हैं। जो भी बच्चे हैं वो अपना अपग्रेड में छोड़े हुए हैं उन लोगों का, यही 18 की रात जो है जहां तक मुझे लग रहा है ये 18 की रात जो है आपके सेकेंड राउंड कट ऑफ का टाइमिंग हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। बाकी बने रहिएगा मेरे चैनल पे, जैसे मैं फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आपको सबसे पहले बता दिया था उसी तरीके से मैं सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी आपको बता दूंगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना डिक्रीजमेंट हो सकता है, कितना कम हो सकता है। ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों एक स्लॉट में है, एससी और एसटी एक स्लॉट में है, ठीक है ध्यान देना। फर्स्ट राउंड कट ऑफ से यानी इस वाले वैल्यू से लगभग जो भी लैंग्वेजेस आते हैं बीएचयू पीजी में, जितनी भी लैंग्वेजेस है, हिंदी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, जापानीज है, जो भी लैंग्वेजेस है ध्यान देना, उसमें लगभग इन तीन कैटेगरी के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीन कैटेगरीज के लिए लगभग 6 से 8 नंबर का डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है सेकेंड राउंड कट ऑफ में, ठीक है ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। इसमें कई अगर कैटेगरी में घुस जाऊं तो और इसमें चीजें निकल के आ सकती है, लेकिन ये संतुष्टि के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग माइंड में रखना, ठीक है लगभग -15 घट सकता है किसमें, आपके एससी और एसटी में ध्यान देना, ठीक है उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स एंड सोशल दोनों जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इस तरीके के उसमें लगभग -8 और -12 मतलब कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में -8 तक घटने की संभावनाएं रहेंगी, अपने मार्क्स चेक करो और उसमें देख लो आप लोग। और वही 15-12 माइनस जो है वो घट सकता है आपका कहां पे, वो घट सकता है लगभग एसटीएससी में, ठीक है साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं चाहे उसमें फिजिक्स है केमिस्ट्री है बॉटनी है जूलॉजी है जो भी ये सब आते हैं उसमें -5 के आसपास डीएमसी के लिए ध्यान देना घटने की संभावनाएं नजर आ रही है डीएमसी के लिए, और -10 जो है वो एसटी और ओबीसी के लिए मतलब ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए है और ये -10 एसटीएससी के लिए कुछ इस तरीके से घटने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कुछ बच्चे जो होंगे वो कॉमर्स के होंगे ठीक है यानी एमकॉम बच्चे होंगे या फिर और भी इस फैकल्टी में जो चलता है कॉमर्स वाले में तो उनके बच्चे अगर होंगे तो उनको मैं बता दूं कि लगभग ऑन एन एवरेज 8 से 10 ठीक है वही 5 से 6 ऊपर वाला जोड़ लो और नीचे वाले में 8 से 10 आप लोग जोड़ लो ये कुछ घटने की पॉसिबिलिटीज नजर आएगी पूरे डीएमसी से लेके एफिलेटेड तक आप लोगों में क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट ऑफ डाउन गया है तो पूरे डीएमसी से लेके एफिलेटेड तक कुछ इस तरीके का डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दिया कि ये जो कट ऑफ है जो राउंड्स हैं ये आते हैं लगभग 6 से 7 जनरली मतलब 6 तक तो आराम से आने हैं अप्रोक्स सब में आने हैं। तो प्लीज आप लोग को डरना नहीं है घबराना नहीं है कि सर ये तो अभी बहुत कम घट रहा है हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपको एक नई कहानी बताता हूं, अगर आप लास्ट तक मेरे वीडियो देखो तो आपको एक फायदा हो जाए भाई आप अगर मेरे वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो उन लोगों के लिए बीच में वो तो चले गए होंगे। अब देखो आपको मैं बता दूं कि जो डीयू है इसका भी पीजी कट ऑफ नहीं आया है, इसके आने की पॉसिबिलिटीज भी हमारे
कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड कटऑफ से क्लैश कर रही है। ये हमारे लिए बड़ा एक गुड न्यूज है, ये हम लोग के लिए गुड न्यूज है भाई, ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम लोग के जो सेकेंड राउंड कट ऑफ बीएचयू के हैं वो इससे हमारा कहीं ना कहीं अगर मिल जाता है तो ये कट ऑफ जो बीएचयू का इतना हाई अभी जा रहा है, जो ठीक है कुछ कोर्सेज बहुत हाई जा रहा है, ये अचानक से डाउन हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो ड्यू में ट्रांसफर हो जाएंगे। और मैं बता दूं कि बीएचयू ने अपने यहां विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया है, ये बच्चे अगर विद इन वीक राउंड्स में अपने एडमिशन को अगर बाहर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो सीटें उनको मिलने के बाद फिर आने वाले राउंड में काउंट हो जाएंगे और कट ऑफ और डाउन चला जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पेसिफिक है, अभी ड्यू का इंतजार कर रहे हैं, वो ड्यू चले जाएंगे। तो ड्यू का कट ऑफ आना अपने आप में बीएचयू के मेरिट को घटाने में बहुत जोरदार असर दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा भी हैरान परेशान और चिंतित होना है, एकदम मत हो, एकदम प्रसन्न रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो। बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे पॉइंट्स एनालिसिस लेकर आऊंगा जहां पे आपका पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना ही है और आपके एडमिशन की भी पॉसिबिलिटीज मैं दिखाऊंगा कहां कहां बन रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक नीचे हैं, और हाँ फर्स्ट राउंड कटऑफ का ऑफिशियल लिंक वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका पीडीएफ जो है वो एक लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें है, और वहां से जाके आप लोग राउंड कटऑफ चेक करो और उसके बाद इसको मैच करा लो इस वाले को, ठीक है, इसको मैच करा लो कि कितना आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज आपको बताना है कि आपके लाइफ का सबसे फेवरेट पर्सन आपकी फैमिली मेंबर में से कौन है। देखता हूं कि क्या क्या कॉमेंट आता है, ये जानना चाहता हूं कि लास्ट तक वीडियो कौन कौन देखा। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं।